Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this, we'll talk about IIM Ahmedabad MBA Executive Program. So, IIM Ahmedabad regular MBA bhi karata hai aur executive MBA bhi karata hai. Alright, executive MBA regular MBA se alag hoti hai, uske liye experience chahiye hota hai. Regular MBA mein kya hai ki aapke paas experience hai, work ex hai ya nahi, itna matter nahi karta, theek hai? But iske liye eligibility criteria mein aata hai. So, uske bare mein baat karte hain. So, let's start. Now in the eligibility criteria, first you need is the bachelor's degree. आपके bachelor degree होनी चाहिए. Second आपकी age 25 या 25 से ज़्यादा होनी चाहिए. 25 अगर देख calculate करनी चाहो तो 31st मार्च से ज़्यादा तक आप 25 के हो जाने चाहिए 31st मार्च. और ये उस ईयर की जिस ईयर आपका कोर्स स्टार्ट होना है. ऑल राइट. नेक्स्ट इज वर्क इज आपका 4 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 4 ईयर्स या उससे ज़्यादा. नेक्स्ट इज जी मैट या जी आर ई आपको देना होगा. जी मैट या जी आर ई अगर आप लाएंगे स्कोर, विच इज इसकी कट ऑफ जो रहेगी वो 720 आप मान के चलिए 710 के आसपास रहती है, ठीक है? दैट विल बी द कट ऑफ. और 700 या 690 भी आ जाती है बिकॉज ये प्रोफाइल बेस्ड ही रहते हैं सारे कॉलेजेस. इसमें कोई ऐसा आप कह नहीं सकते कि दिस इज द कट ऑफ. यू कैन से द सेफ स्कोर. अगर आप इतना लाएंगे देन यू आर सेफ कैटेगरी, यू कैन अप्लाई. ऑल राइट. प्लस उसके बाद अगर हम प्रोसेस की बात करें तो इन प्रोसेस देयर आर 3 राउंड्स. पहला राउंड जो होता है वो 5K रुपये, आपको तीनों राउंड के लिए पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है? पहला राउंड आपका 5K का होगा जिसमें आपको 5,000 रुपये देने हैं. फिर दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में 7.5K, ठीक है? ये नॉर्मली आपके GDPI वाले राउंड्स होते हैं, ठीक है? और इसके बाद आपके पास आपको PI जब देना होता है उसके साथ में आपको 2 SS लिख के देने होते हैं. ऑल राइट. एंड द फाइनल एडमिट के टाइम पर जब आपका एडमिट हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको 3 LOR. बाकी सारे कॉलेज में 2 LOR चलता है, इसमें 3 चलता है, विच मीन्स कि एक आपका एकेडमिक रहेगा, 2 आपका वर्क एक्सेलेटेड रहेंगे, ठीक है? दिस इज द प्रोसेस. एंड द फीस इज 28 lakhs ओनली. दिस इज वन ऑफ द अगर आप जैसे हम ब्रॉडली बात करें जी मैट के स्कोर देने के बाद जितनी आपकी फीस लगती है उसमें तो काफ़ी कम फीस है, बट ये हैवी इंडिया का कॉलेज, ठीक है? बाकी अगर आप बाहर जाएंगे तो डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा डबल या ट्रिपल अमाउंट में आपको वहाँ से MBA एग्जीक्यूटिव करने को मिलती है, ठीक है? प्लस इसमें IIP होता है विच इज़ इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम. ऑलरेडी ये 2 weeks का प्रोग्राम रहता है जिसके अंदर आपको हांगकॉन्ग, पेरिस, UK या स्पेन, जैसे कि आप मैंने जितनी अभी टॉप 100 की एक वीडियो बनाई थी, टॉप 100 MBA कॉलेजेस इन द वर्ल्ड. ऑलराइट. उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं वो वीडियो. उसके मैंने जो कॉलेज बताए थे वो इसी कॉलेज में लेके जाते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, बट अभी तो ये डेफिनेटली नहीं चल रहा होगा बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है? अगर हम बात करें कि MBA एग्जीक्यूटिव करने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सैलरी लगती है, कि जॉब लगती है, वहाँ पे कंपनीज आती हैं. यस, द आंसर इज यस, वहाँ पर आती हैं, जैसे कि डिलॉयट हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, आपका सारी टॉप की सारी कंपनीज वहाँ पर आती हैं हायरिंग करने के लिए. एसेंचर हो गया, सारी कोई भी नाम ले लीजिए वो वहाँ पर आती है. ऑल राइट. अब बात करते हैं सैलरी पर. सैलरी कितनी जाती है? सैलरी विल बी समवेयर अराउंड, टॉप पैकेज आता है 80 lakhs के अराउंड का, ठीक है? या दैट्स अ ह्यूज अमाउंट. अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है 3 या 4 तो डेफिनेटली इट्स अब मैं ये कहूँगा कि आपको अपना माइंड चेंज करना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट 3 या 4 के बाद भी ना GMAT नहीं देते, CAT देते हैं और उस रेस में लग जाते हैं कि 99 लाएँ. GMAT में 700+ लाना इज फार ईजी एज कम्पेयर टू CAT में 99 या 98 लाना, टू बी ऑनेस्ट. ओके, GMAT में स्कोर लाना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू CAT का 99. ऑल राइट. नाउ कमिंग टू दिस, 28 लाख की फीस भरी, 81 लाख का पैकेज मिला, इट्स अ ह्यूज सम. एंड अगर आप एवरेज देखेंगे तो एवरेज इज समवेयर अराउंड 33 lakhs, विच इज मोर देन दी रेगुलर MBA. रेगुलर MBA से तो कतई ज़्यादा है, वहाँ पे 25 से 26 चल रहा है, ये 33 पे है. ऑल राइट. सो ये अभी लेटेस्ट वाला है, इसके अलावा अगर जब आएगा तो वो भी आपको उसके ऊपर बता दूंगा, ठीक है? प्लस अगर आप देखोगे तो इसके अंदर पैकेज जो हाथ में आता होगा वो तो थोड़ा कम ही आता होगा बिकॉज CTC होती है, ठीक है? बट दैट्स दी अमाउंट विच आर गेटिंग. Like highest is 81, average is 33. You can calculate the ROI. ROI is superb on this college, and I totally thumbs up to this college. अगर आपको 3 से 4 years का experience हो चुका है, you should appear for the GMAT or GRE because the reason is कि अगर 3 साल का भी हुआ है, आप GMAT जब भी दोगे, ठीक है? GMAT वैसे मेजरली सब GMAT ही देते हैं, GRE बहुत ही कम लोग देते हैं. जिनके पास साइंस होती है पीछे से वो GMAT देते हैं, वरना नहीं देते, ठीक है? और GMAT बहुत ही फ्रेंडली एग्जाम है, आप घर से भी दे सकते हैं. प्लस एंड GMAT अगर आप देते हो तो उसका स्कोर कार्ड, जो स्कोर आता है आपका, वो स्कोर आपका 5 साल तक वैलिड होता है. 5 ईयर्स तक. सो लेट सपोज अगर आज आपने दिया विच इज़ 2021 एंड यू स्कोर्ड गुड मार्क्स, ऑल राइट, लेट सपोज 730, ठीक है? अब 730 के साथ आप जब भी चाहो
जिस भी कॉलेज में चाहोगे जो जीमेट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, 5 साल के अंदर अंदर उसको अप्लाई कर सकते हो। आप 2 साल तक जॉब करना चाहते हो, करो, आपके पास स्कोर आ गया, नाउ यू आर इन सेफ जोन कि हाँ यार मेरी तो स्कोर आया हुआ है, मैं किसी भी कॉलेज में अप्लाई करूँगा, किसी ना किसी एक में तो ले ही लेंगे। अगर मैंने एक वीडियो बनाई थी टॉप 100, जो मैंने बात करी टॉप 100, उसमें से किसी भी जाओगे ना, मतलब ज़बरदस्त ही लगेगा, क्योंकि वो टॉप 100 में आता है। टॉप 100 में ना टॉप 10 कॉलेजेस नहीं आते इंडिया के, तो समझ लो वो लिस्ट बहुत बड़ी है और उसमें इतने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। तो डेफिनेटली वो एक आपको ये स्कोर करने के बाद जीमैट में एक आपको एकदम टेंशन फ्री जोन में भेज देगा, एंड यू कैन फोकस ऑन योर जॉब एंड यू कैन लर्न न्यू थिंग्स, एंड आफ्टर दैट यू कैन कम बैक एंड ज्वाइन द एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स। दैट इज मच मच बेटर देन कि आप रेगुलर वाली कैट में आ जाओ, दौड़ में आ जाओ, 3 साल का एक्सपीरियंस लेके भी लगे हुए हैं बस लिखने में। ऑल राइट, एंड बाकी अगर आपको जी मैट, जी आर ई या फिर कैट, किसी भी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो यू कैन विजिट द वेबसाइट learnfrom.com। वहाँ पे आपको सारी टेस्ट सीरीज प्लस अगर कोचिंग चाहिए हो तो 79821, दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सारी क्वेरीज भी ले सकते हैं अबाउट द कोर्सेज, यू कैन आस्क। ऑल राइट, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेना एंड यू विल गेट द डिटेल्स अबाउट द कोर्सेज, प्लस यू कैन विजिट द वेबसाइट learnfrom.com, वहाँ पे भी आपको सारी डिटेल्स मिल ही जाती हैं। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच, एंड हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको पता लगे भाई जीमैट के भी थ्रू आई एम मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैट के थ्रू ही मिलता है। FMS एक ऐसा कॉलेज है जो सिर्फ आपको कैट के थ्रू ही मिलता है, उसका एग्जीक्यूटिव, उसके ऊपर वीडियो आ रही है बहुत जल्दी, सो डोंट वरी फॉर दैट एज वेल। FMS के ऊपर भी एग्जीक्यूटिव MBA होती है, बहुत लोगों को पता भी नहीं है उसका, ठीक है, बट होती है, एंड उसमें कॉम्पिटिशन भी नहीं होता, बहुत रेयर कॉम्पिटिशन, बट आई विल टेल यू अबाउट दोज कोर्सेज एंड दोज कॉलेजेस एज वेल, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है जी। सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी सजेशन और क्वेरी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।